अरे यार, एक मिनट, इसको भेजना भी तो पड़ेगा इस पे। आ गया, चेक कर लिया बेटा? यस। कहाँ तक टॉपिक लिया था बेटा, मुझे बताओ एक बार। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, ये बताना मुझे एक बार। ऑनलाइन में भी एक बार कोई कंफर्म कर दो मुझे। चैट शो नहीं हो रही है एक्चुअली, क्या हो रहा है इसमें? स्क्रीन को बड़ा करना है, कैसे किया जाए इसको? एक सेकेंड, कोशिश करते हैं। ये या तो बहुत ही छोटा हो रहा है और यह बहुत ही बड़ा हो रहा है। इसमें चक्कर क्या आ रहा है ये नहीं समझ आ रहा है। खैर, स्टार्ट तो करते हैं, मैं फिर लास्ट में देखूंगी इनके डाउट्स, और तो क्या करूं। उस पे नहीं आ रहा ना। बीच में चेक किया जा सकता है, और तो कुछ नहीं है। कोई डिफरेंस तो नहीं आता ना रिकॉर्डिंग में, दैट्स व्हाई आई वांट टू नो। इसी में चेक कर लेंगे, कोई क्वेरी आए तो मुझे याद दिला देना, है ना? और एक बार एक तो बातें इतनी करते हैं क्लास, ठीक है। क्वेरी आए तो बता देना मेरे को, है ना? चलो अपन स्टार्ट करते हैं फिर आगे। डिफरेंसेस चल रहे थे अपने किसके, आई थिंक कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, है ना? तो वो स्टार्ट करते हैं अपन। एक बार आईसीआई ओपन थी हमारी, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, आ जाएगा। हाँ वही ले रहे हैं बेटा। यहाँ तक ले लिया था शायद, ये लास्ट वाला लेना है ना, नंबर वाले लेना है क्या? नंबर ऑफ मेंबरशिप। अच्छा देखो, यहाँ से नंबर ऑफ मेंबरशिप, अगर आपकी कंपनी जो है वो किस तरीके की है उस पर डिपेंड करेगा कि मिनिमम नंबर कितने और मैक्सिमम कितने। चलो स्टार्ट किससे करेंगे? पार्टनरशिप वाइंडिंग अप का कंपनी वाला पॉइंट, आपकी कंपनी मेड बाय लॉ है, कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय लॉ। सिर्फ दो जनों के पास पावर है इसको खत्म करने की, एक तो एनसीएलटी और एक आरओसी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक अथॉरिटी होती है, वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसेस वो कंडक्ट कराती है। एक होती है तुम्हारे आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, दोनों के नाम आएंगे तुम्हारे कंपनीज एक्ट में। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करता है? एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें वो एंट्री करता है, इस दिन मैंने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। वो क्या कर सकता है? सीधे उस कंपनी का नाम उस रजिस्टर से हटाएगा और कंपनी का नाम हट जाएगा। समझ आई चीज? तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो कौन कर सकता है? एनसीएलटी, और एक ये आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, वो देखो यहाँ जो लिखा है उसको छोड़ो, एक बार जो मैं बताती हूँ वो ध्यान रखो। सिर्फ पार्टनरशिप में मुझे बताओ कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? टू, और मैक्सिमम कितने? क्लियर है? अब इधर आ जाओ,
मैं आपकी बात करूंगी तीन तरीके की कंपनीज की, कौन सी? एक तो हमारी ओपीसी, और एक प्राइवेट कंपनी, और एक पब्लिक कंपनी, ठीक है? और इधर मैं लिख रही हूँ मिनिमम, और इधर लिख रही हूँ मैं मैक्सिमम। स्टार्ट करो, ओपीसी में कम से कम कितने? एक, और ज़्यादा से ज़्यादा एक। नाम से ही पता चल रहा है, वन पर्सन कंपनी, तो मिनिमम भी वन, मैक्सिमम भी वन। अच्छा, आप देखो प्राइवेट कंपनी कम से कम कितने? टू, दो जने कम से कम होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 200, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में बोलो कम से कम कितने? 7, और मैक्सिमम कितने? अनलिमिटेड। बस इतना कर लो। आपके ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है ना, उससे भी अपन ने बहुत बेटर ले लिया, इससे ऊपर कहीं जा ही नहीं सकता। हमने मिनिमम भी पढ़ लिया और मैक्सिमम भी पढ़ लिया, ठीक है? लिख लिया क्या, बताओ मुझे? लिखो इसे फटाफट। लिख लिया बताओ। चलो आप देखते हैं इसके आगे का डिफरेंस। आगे क्या दिया हुआ है देखो बेटा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। एक स्टेटमेंट लिखो पार्टनरशिप की तरफ। जनरली डेथ और इंसॉल्वेंसी, जनरली डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जनरली डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर is a ground for dissolution of the firm, is a ground for dissolution of the firm. Generally death or insolvency of a partner, और कौन से partner की बात चल रही है? Active partner. Generally अगर active partner की death हो जाती है या वो क्या हो जाता है, दिवालिया, तो फर्म जो है वो हमारी डिसॉल्व होती है, ठीक है? अगर बाकी पार्टनर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं बाय एग्रीमेंट, लेकिन जनरल रूल कहता है जैसे ही एक्टिव पार्टनर की क्या हो गई, डेथ, या वो क्या हो गया, दिवालिया, फर्म डिसॉल्व हो गई, दे कैन कंटिन्यू बाय डूइंग अ फ्रेश एग्रीमेंट। तो यहाँ क्या लिखा है, अनलेस देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अपोजिट ना लिखा हुआ हो। जनरली एक पार्टनर की डेथ हुई, वो रिटायर हो गया या हो गया दिवालिया, इट विल रिजल्ट इन टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कौन से पार्टनर की बात चल रही है, याद रखना, एक्टिव पार्टनर। कौन से पार्टनर की बात चल रही है? एक्टिव पार्टनर। दूसरी तरफ कंपनी का क्या है बेटा? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब, अच्छा परपेचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं है, और सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार। मेंबर्स में कम और गो, बट द कंपनी गोज ऑन। सदस्य आते हैं चले जाते हैं, बट द कंपनी गोज ऑन। कभी सुना है किसी मेंबर की डेथ हो गई, या उसने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए और कंपनी बंद हो गई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि कंपनी में क्या चलता है, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है? मेंबर्स में कम और गो, बट द कंपनी विल सर्वाइव, है ना? ये समझ आ गई बात बेटा? अब आ गया इसके अंदर हमारा दूसरा डिफरेंस लेंगे। आई थिंक ये सबको समझ में आ गए। आपको क्या याद करने, लर्न एनी सिक्स। रीडिंग तो सबकी लगा के जाना, लेकिन याद करने हैं वो कितने करने हैं, 6। क्लब वाला बाद में लेंगे, पहले क्या लेंगे, HUF। क्लब और एसोसिएशन एक जैसे हैं, तो इनको दोनों को एक साथ लेंगे। टॉपिक ले रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड द HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोला जाता है इसको अपना। होता क्या है वो सुनो पहले। एक तरीके का फैमिली बिजनेस चल रहा है, होमोजीनस मेंबरशिप है, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं जो इसको चला रहे हैं, ठीक है? हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। और बाकी मेंबर्स को पार्सनर्स की लिमिटेड, लिमिटेड टू देयर इंटरेस्ट। समझ आई चीज़ की नहीं आई, बताओ मुझे? हम बोलते हैं पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है,
तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहले प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 11 में दिए हुए थे, अलग किया, कुछ नए प्रोविजन एक्ट किए और क्या बना दिया, नया एक्ट जिसका नाम रख दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप एक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल लगते हैं। एक बंदा जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, ही कैन बी बेनिफिशियरी बट ही कैन नॉट बी अ पार्टनर। पार्टनर बनने के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं HUF में तो मेंबरशिप इज बाय बर्थ, चाहे बच्चे को डायपर बांधना नहीं आता है, HUF क्या कहता है कि भाई मेंबरशिप कैसे मिलेगी, बाय बर्थ मिलेगी, बाय बर्थ मिलेगी। वहाँ किसी भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेजर पर्सन होना चाहिए, नहीं होता है ना। अच्छा मान लो अगर कर्ता की डेथ हो गई तो क्या HUF खत्म हो जाएगी क्या, क्या किया जाता है? हाँ, जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उसको कर्ता बना देंगे। एक बंदा अकाउंट्स चेक करना चाहता है किसके, HUF के, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक को पार्सनर, आपकी HUF डिवाइड भी हो जाए ना, उसका पार्टीशन भी हो जाए, तो भी अकाउंट जो है वो चेक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पर परमिशन चाहिए होती है किसकी, कर्ता की। यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं घर के, वो जो बोलेंगे वो होगा, उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। पूरी कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है, कर्ता के हाथ में। कर्ता की खुद की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, और बाकी मेंबर्स की, को पार्सनर्स जिनको बोला जाएगा, उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड टू देयर इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जिनको हम लेने जा रहे हैं। पहला है मोड ऑफ क्रिएशन। पार्टनरशिप बनती है बाई एग्रीमेंट, उसको बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। HUF बनेगी बाई स्टेटस, बाई सक्सेशन, मेंबरशिप इज बाई बर्थ। उत्तराधिकार से बनती है HUF, सक्सेशन, स्टेटस, डेथ ऑफ अ मेंबर। अभी अभी एक लाइन लिखवाई थी, जनरली द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पढ़ा था? तो वही सेम चीज आ रही है, डेथ ऑफ पार्टनर ऑर्डिनरी लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरी तरफ क्या है कि अगर डेथ हो गई किसकी, HUF के मेंबर की, HUF के मेंबर की डेथ हो गई तो HUF का बिजनेस खत्म नहीं होता, इट विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू। तीसरा है मैनेजमेंट, यहाँ तो सारे पार्टनर्स मिलके मैनेज करेंगे, दूसरी तरफ सिर्फ कर्ता। मैनेजमेंट पावर इज इन द हैंड ऑफ द कर्ता हु इज द गवर्निंग मेल और फीमेल मेंबर, गवर्निंग मेल और फीमेल मेंबर। आपके पहले आपने शायद लोअर क्लासेस में पढ़े हो, टू स्कूल ऑफ थॉट्स थे, मिताक्षरा स्कूल, दयाभागा स्कूल। एक तो गर्ल कैंडिडेट को HUF का मेंबर मानते थे और एक नहीं मानते थे। बट आज के दिन मैं बात करूँ, एक कॉमन व्यू आ गया है। 1 फरवरी 2016 को एक डिसीज़न आया था, जस्टिस नाजमी वाजरी ने एक डिसीज़न दिया था, लैंडमार्क जजमेंट। और उन्होंने बोला कि आज के दिन अगर बात करें, देन फीमेल कैन बी अ मेंबर ऑफ HUF, इवन शी कैन बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ कर्ता। आज के दिन बात करें, फीमेल कैन बी अ मेंबर ऑफ HUF, इवन कैन बी शी कैन बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ कर्ता। इवन शी कैन बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ कर्ता। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज कैसे लिखनी है अपन को, वो देखो एक बार। हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था 2005 में, उन्होंने इक्वल राइट दे दिए थे गर्ल चाइल्ड को इन इनहेरिटेंस, दैट इज इन प्रॉपर्टी। फादर की प्रॉपर्टी में जितना हक बेटे का है उतना ही हक बेटी का है। आज के दिन पता है ना ये सिनेरियो, ठीक है? तो दे इंजॉय इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, एंटाइटल्ड ऑल द एडल्ट मेंबर्स, चाहे वो हिंदू मेल हो चाहे फीमेल हो। अब वो क्या बन सकते हैं, को पार्सनर बन सकते हैं। एक जस्टिस नाजमी वाजरी थी, 1 फरवरी 2016 में एक डिसीजन दिया, लैंडमार्क जजमेंट। क्या बोला, जो एल्डेस्ट फीमेल को पार्सनर थी उसे क्या बना दिया, HUF का कर्ता। तो पोजिशन क्लियर कर दी। आज के दिन बात करें, फीमेल कैन बी अ को पार्सनर ऑफ HUF, इवन शी कैन बी अपॉइंटेड टू पोस्ट ऑफ कर्ता। याद रहेगी चीज, तो आपको ये मिताक्षरा स्कूल, दयाभागा स्कूल लगा के मत आ जाना। नॉर्मल रूल ये है, फीमेल कैन बी को पार्सनर, कैन बी अपॉइंटेड एज कर्ता, इम्पॉर्टेंट जजमेंट।
मतलब एक ऐसा जजमेंट जिसने कि एक लैंडमार्क सेट कर दिया, जिसने एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया, उसके लिए बोला जाता है लैंडमार्क जजमेंट। क्या चीज दी हुई है देखो, अथॉरिटी टू बाइंड। अथॉरिटी टू बाइंड किसके पास है पार्टनरशिप में? ऑल द पार्टनर्स काम करेगा, एक पार्टनर जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म है ना, तो एवरी पार्टनर हैज गॉट द अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म, है ना। दूसरी तरफ क्या लिखा है, कर्ता और द मैनेजर हैज अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बिजनेस ऑफ द फैमिली बिजनेस दैट इज HUF। अथॉरिटी किसके पास है बाइंड करने की? कर्ता। कॉन्ट्रैक्ट करेगा कर्ता और पूरी HUF को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आ रही है, लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। HUF में कर्ता की कैसी? अनलिमिटेड। और बाकी पार्टनर्स की, कोपार्सनर की? लिमिटेड टू देयर इंटरेस्ट। इधर अंडरलाइन करो, पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। दूसरी तरफ HUF में कर्ता की तो अनलिमिटेड, और कोपार्सनर्स की लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, लिमिटेड टू देयर शेयर। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर। ऑन क्लोजर मतलब फर्म हो गई तुम्हारी डिजॉल्व, पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व हो गई, कोई भी पार्टनर अकाउंट्स की डिमांड कर सकता है, यस और नो? कर सकता है ना। तो क्या लिखा है देखो, अ पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर द अकाउंट्स प्रोवाइडेड फर्म किस में चली गई, डिसोल्यूशन में, कर सकता है ना। दूसरी तरफ आपकी HUF का पार्टीशन हो गया, HUF डिसॉल्व होती है तो क्या वर्ड यूज करते हैं, पार्टीशन। HUF का पार्टीशन हो गया, एक HUF का को पार्सनर अकाउंट्स देखना चाहता है, नहीं देख सकता जब तक कर्ता परमिशन ना दे दे। याद करो क्या था, ऑन सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली अ मेंबर इज नॉट एंटाइटल टू आस्क फॉर अकाउंट्स ऑफ फैमिली बिजनेस, आगे ऐड करना, अनलेस द कर्ता गिव्स द परमिशन। अनलेस द कर्ता गिव्स द परमिशन, जब तक कर्ता परमिशन ना दे दे अकाउंट्स देखने की भी पावर कोपार्सनर के पास नहीं है। गवर्निंग लॉ पार्टनरशिप के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है जो हम पढ़ रहे हैं। HUF इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। अपनी कंट्री में दो पर्सनल लॉ चलते हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। HUF के प्रोविजन कहाँ दिए हुए हैं, अंडर हिंदू लॉ, अंडरलाइन करो, यहाँ तो हिंदू लॉ और यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नहीं नहीं हिंदू लॉ लिखोगे, हिंदू लॉ लिखना है भाई, दो पर्सनल लॉज आए आपके, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। HUF किसके अंदर बनती है, अंडर हिंदू लॉ। नेक्स्ट क्या है, माइनर्स कैपेसिटी। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बेनिफिशरी बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था ना बेटा अपन ने। और यहाँ पे हम बात करें तो क्या बोलेंगे, HUF के केस में माइनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ HUF। बताया था ना मैंने आपको, मेंबरशिप इज बाय बर्थ। क्या लिखा है, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर बट कैन बी अ बेनिफिशरी। दूसरी तरफ HUF जो है, अ माइनर बिकम्स अ मेंबर बाय बर्थ, बाय इंसिडेंस ऑफ बर्थ। कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कंटिन्यूटी। एक स्टेटमेंट लिखवा दिया मैंने आपको, जनरली डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन। एक्टिव पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया तो डिसॉल्व होती है फर्म। इधर तो यही पॉइंट चल रहा है, पढ़ो एक बार, कंटिन्यूटी। फर्म सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स गेट डिसॉल्व बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी, किसकी बात चल रही है, एक्टिव पार्टनर की। दूसरी तरफ क्या है, HUF की है कंटिन्यूटी, किसी मेंबर की डेथ हो गई तो इसके कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन कर्ता की भी डेथ हो गई ना, सीनियर मोस्ट पर्सन को कर्ता बना दिया जाएगा, इट विल नॉट गेट डिसॉल्व। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने, 50। HUF में नो लिमिट, डिपेंड्स ऑन फैमिली प्लानिंग। ठीक है, आगे चलो। शेयर इन बिजनेस, पार्टनरशिप में डिफाइंड शेयर है जिसको क्या बोलोगे, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नहीं दिया होता तो इक्वली होता है, पढ़ा था। दूसरी तरफ बात करते हैं HUF में जो इंटरेस्ट है वो कैसा है। यहाँ तो था तुम्हारा डिफाइंड शेयर, अंडरलाइन करना, दूसरी तरफ करना फ्लक्चुएटिंग वन। किसी नए मेंबर का बर्थ हो गया, बाकी का इंटरेस्ट कम हो गया,
और किसी की डेथ हो गई, बाकियों का इंटरेस्ट बढ़ गया. एनलार्ज्ड बाय डेथ, डिमिनिश्ड बाय बर्थ. अंडरलाइन करो कहीं आ रहा हो लिख के, एनलार्ज्ड बाय डेथ, डिमिनिश्ड बाय बर्थ. समझ आ गई चीज? हमने क्या किए, डिफरेंसेस किए हैं, और इन डिफरेंस में भी आपको 6 पॉइंट्स अच्छे से करके जाने हैं. कर लोगे बताओ बेटा लास्ट तक? एवरीवन यहाँ तक हो जाएगा आई थिंक सबसे. अब इसकी हाँ एनी 6, 6 से ऊपर का डिफरेंस में क्वेश्चन नहीं आता. रीडिंग लगा के जाना चाहो तो लगा जाओ, लेकिन लिखने के लिए थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आज तक इन्होंने 6 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं पूछे. 6 अच्छे से करने हैं अपन को. पार्टनरशिप फर्म और को ओनरशिप इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और 4 ही डिफरेंस है. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू स्किप, चारों के चारों करके जाने. को ओनरशिप की बात करेंगे, कैसे बन सकती है? देखो दो तरीके से, बाय एग्रीमेंट, बाय स्टेटस. फादर की प्रॉपर्टी 2 बेटों को मिली, को ओनर है कि नहीं है बताओ? है ना, बाय स्टेटस, उत्तराधिकार बन गए कि नहीं बन गए? और दूसरा क्या है, मैंने और आपने मिल करके 100 मोबाइल सेट खरीदे, हम उन मोबाइल सेट्स के को ओनर हुए कि नहीं हुए? बाय एग्रीमेंट. को ओनरशिप बनाने के 2 तरीके, बाय एग्रीमेंट, बाय स्टेटस. अंडरलाइन करना यहाँ पे, आइदर फ्रॉम एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज बाय इनहेरिटेंस. फादर की प्रॉपर्टी 2 बेटों को मिली तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या इनहेरिटेंस ही तो है, उत्तराधिकार. इधर क्या लिखोगे, पार्टनरशिप बनाने का सिंगल तरीका बाय एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. इम्प्लाइड एजेंसी कहाँ पर होती है, म्यूचुअल एजेंसी बताओ भाई? पार्टनरशिप में हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स का और फर्म का एजेंट होता है. क्या लिखा है देखो, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, जबकि एक को ओनर कभी भी बाकी को ओनर्स का एजेंट नहीं होता. अ को ओनर इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर को ओनर. तीसरा, नेचर ऑफ इंटरेस्ट. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कल आपको, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन विच ऑल द पार्टनर्स हैव कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, लिखा था, जिसमें सभी पार्टनर्स का कॉमन इंटरेस्ट होता है, लिखा था. क्या लिखा हुआ है देखो, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स प्रॉफिट एंड शेयर लॉस मस्ट बी शेयर. पार्टनरशिप में पार्टनर्स का कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट यानी कॉमन इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग होती है. एक चीज ऐड करो, एंड बिजनेस इज मस्ट, बिजनेस का होना जरूरी होता है, बिजनेस का होना जरूरी होता है. दूसरी तरफ को ओनरशिप में बात करें, जरूरी नहीं है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस हो, जरूरी नहीं है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस हो, और ये भी जरूरी है, जरूरी नहीं है दैट कोई बिजनेस हो, नो बिजनेस इज रिक्वायर्ड. अपन ने यूनिट स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में एक एग्जांपल आया था, ए एंड बी आर द को ओनर्स ऑफ अ लैंड, और वो क्या करते थे, जो रेंट मिलती थी उसको बराबर डिवाइड करते थे. तो हमने पढ़ा था दे आर नॉट द पार्टनर्स बिकॉज देर इज नो बिजनेस, याद करो. तो को ओनरशिप में बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि पार्टनरशिप में बिजनेस का होना मस्ट है. उसके इसेंशियल करेक्टरिस्टिक में बिजनेस आ रहा था, याद आ रहा है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन तीनों शामिल थे, ठीक है. तो ये हमने बोला. 4th पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. हमने कल भी पढ़ा था कंपनी वाले पॉइंट में, याद करो, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफर करना आसान नहीं है. क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर. ए बी सी डी ई, 5 पार्टनर. ई अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता है, अब तक का जो हिस्सा बना है ट्रांसफर करना चाहता है, किसको? मिस्टर एक्स को. कर सकता है, लेकिन पहले इन चारों की परमिशन चाहिए. इनमें से एक ने भी मना कर दिया ना, ही कैन नॉट ट्रांसफर इज इंटरेस्ट. क्या चाहिए? अनैनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सर्वसहमति चाहिए. तो पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ट्रांसफर करना इतना आसान काम नहीं है. हाँ, सीधे रुपए दे दो ना, पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो? तुम लो, तुम आगे पास ऑन कर दो, तुम्हारी चीज तुम जानो. पार्टनरशिप फर्म में ऐसे अलाउड नहीं होता कि मेरी जगह ये हिस्सा ये बंदा ले लेगा, आप लेके दे दो बात अलग है, ठीक है. अगर आप इस तरीके से उसको एज अ ट्रांसफर इंक्लूड कर रहे हो तो आपको सबकी कंसेंट चाहिए. एक बंदा भी मना कर देना तो आप ये काम कर ही नहीं पाओगे. ओनली विद द कंसेंट ऑफ
ऑल द पार्टनर्स. कल कंपनी में भी डिफरेंस आया था तो हमने बोला था कि कंपनी के केस में तो आसान है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर. स्टॉक एक्सचेंज में इजिली शेयर्स बेच दो, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है. यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है. क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. इधर क्या आ रहा है? कोओनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और राइट इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर कोओनर. एक फादर की प्रॉपर्टी दो बेटों को मिली, ठीक है. एक बेटा अपना हिस्सा बेच करके आसानी से दूसरी जगह घर बना सकता है, एग्रीड और नॉट बताओ? बना सकता है. तो नो नीड टू टेक कंसेंट ऑफ द अदर कोओनर. नो नीड टू टेक कंसेंट ऑफ द अदर कोओनर. यहाँ कंसेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सभी पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी होती है. बीच में एक टॉपिक छोड़ा तुम्हारा, कौन सा? क्लब वाला. और यहाँ कौन सा आ रहा है? एसोसिएशन वाला. तो क्लब भी एक तरीके की एसोसिएशन है, इस वजह से उसे अपन ने छोड़ा था. अब ले लेते हैं पार्टनरशिप और क्लब के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है. क्लब क्या होता है भाई? एनपीओ की फॉर्म में यूजुअली बनाए जाते हैं. होता क्या है, जैसे मान लो सर्विसेज देने का मकसद है. द ऑब्जेक्ट इज टू गिव सर्विसेज टू द मेंबर्स, नॉट टू अर्न द प्रॉफिट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? अपने मेंबर्स को सर्विसेज देना, नॉट टू अर्न द प्रॉफिट. सपोज करो मैंने एक क्लब की मेंबरशिप ले ली. क्लब की मेंबरशिप ले ली तो अब क्या होगा? मैं सब्सक्रिप्शन मनी दूंगी और जो भी उस क्लब की फैसिलिटीज़ है उनको मैं यूज़ कर सकती हूँ. यूजुअली दो पर्पस के लिए क्लब्स बनाए जाते हैं. आइदर इट इज़ फॉर रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट पर्पस, और इट इज़ फॉर हेल्थ पर्पस, जिनको हम हेल्थ क्लब्स बोलते हैं. जो बंदे आपकी सब्सक्रिप्शन मनी पे कर रहे हैं इन क्लब की फैसिलिटी को इंजॉय करने के लिए, दीज आर नोन एज मेंबर्स. और इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द सब्सक्रिप्शन मनी. मैंने एक क्लब की मेंबरशिप ली और मैंने मेंबरशिप फीस 10,000 रुपये जमा करा दी. कल को क्लब की प्रॉपर्टी में आग लग गई तो क्या हम उससे 10,000 से ऊपर कुछ मांग सकते हैं क्या? नहीं मांग सकते. माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द सब्सक्रिप्शन मनी. समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? और क्लब का परपेचुअल सक्सेशन भी है कंपनी की तरह. मेंबर्स में कम और गो, बट द क्लब विल गो ऑन. यही होता है ना. अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है डेफिनेशन में. पार्टनरशिप की साइड तो आप चाहे ये मत याद करना, सेक्शन 4 की जो डेफिनेशन याद की थी वो दे आना. एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, है ना, अराइजेस बाय एग्रीमेंट, कैरीज ऑन बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. दूसरी तरफ क्लब में याद करेंगे इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. तभी मैंने कहा था कि लास्ट में एसोसिएशन का डिफरेंस भी आएगा. तो क्लब भी एक तरीके का क्या है? एसोसिएशन. इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद द ऑब्जेक्ट नॉट टू अर्न द प्रॉफिट बट टू प्रोमोट सर्टेन बेनिफिशियल पर्पजेस. तो मैंने बोला दो तरीके के क्लब, या तो हेल्थ क्लब या फिर एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन पर्पज के लिए बनाए जाते हैं. क्लब्स बनाने के दो मकसद होते हैं. रिलेशनशिप की बात करते हैं. जो बंदे पार्टनरशिप में इंक्लूड हुए इनको इंडिविजुअली क्या बोला जाता है? पार्टनर्स. और हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स का और फर्म का क्या होता है? एजेंट. दूसरी तरफ क्लब में जो पैसा लगा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? मेंबर्स. दे आर नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर. क्लियर है क्या? बोलो मुझे. अच्छा अब आगे देखते हैं. देखो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. पार्टनर्स का पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है? होता है कि नहीं होता है बताओ मुझे. तभी तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स. यही बोला था हमने. दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है देखो. अ मेंबर ऑफ क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब. क्लब की प्रॉपर्टी क्लब की होती है भाई. कल को क्लब की प्रॉपर्टी में आग भी लग जाए तो मेंबर जिम्मेदार नहीं है. और मेंबर दिवालिया हो गया तो क्या क्लब की प्रॉपर्टी बेच सकता है? क्या नहीं बेच सकता. क्लब की प्रॉपर्टी अलग है, मेंबर की प्रॉपर्टी अलग है. क्लियर है क्या बेटा? बताओ यहाँ तक. नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा डिसोल्यूशन. चेंज इन पार्टनर्स ऑफ फर्म इफेक्ट द एग्जिस्टेंस. वही स्टेटमेंट जो पहले लिखवाया था. जनरली द डेथ और इनसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन होता है ना. एक एक्टिव पार्टनर की क्या हो गई? डेथ. या वो क्या हो गया? दिवालिया. फर्म डिसॉल्व हो गई, येस और नो बताओ? ठीक है. दूसरी तरफ क्या लिखा है? मेंबर्स में कम और गो बट द क्लब विल गो ऑन. परपेचुअल सक्सेशन है क्लब का तो है कि नहीं है बताओ मुझे. ठीक है ना.
तो ये चीज हमने यहां तक कवर कर ली। कोई यहां तक डाउट है तो बताओ मुझे। एक छोटा सा डिफरेंस और दिया है, वैसे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। क्योंकि क्लब भी एसोसिएशन था तो एसोसिएशन वहां कवर तो हो ही गई। मीनिंग में पार्टनरशिप की साइड तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे आना, कौन सी, सेक्शन 4 वाली, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन में क्या लिखोगे, सोशल कॉज की वजह से बनती है, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इनटू बिजनेस फॉर गेन, एनपीओ की फॉर्म में है। समझ आई चीज की नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। एग्जाम्पल दिए हुए, हाँ पार्टनरशिप में, लेकिन बेटा सिर्फ एसोसिएशन से काम नहीं चलता, म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होनी चाहिए, बिजनेस भी होना चाहिए विद अ व्यू टू अर्न द प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि एसोसिएशन नॉट टू अर्न प्रॉफिट में लिए है। इसीलिए तो अपन को डिफरेंस पढ़ा रहा है, चैरिटेबल सोसाइटी वगैरह सारी। हाँ इसके अंदर और भी एग्जाम्पल आ रहे हैं, देखो आपके म्यूचुअल असिस्टेंस वाले, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस एसोसिएशन, ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो व्यापारियों की बनी हुई होती है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लोगों का ग्रुप, एसोसिएशन बस, कुछ लोग आपस में एसोसिएट हो गए, उसी को क्या बोला जाता है, एसोसिएशन। एनपीओ ये बेटा यहाँ दिखा है ना, एसोसिएशन नो नेसेसरली मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट, इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इन टू बिजनेस फॉर गेन, मैंने शुरू में ही बोला इन द फॉर्म ऑफ एनपीओ। जबकि पार्टनरशिप का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। पढ़ा था अपन ने कि नहीं पढ़ा था, बताओ बेटा। तो वही चीज हमने यहाँ पे ले ली। यहां तक क्लियर है क्या, ये बताओ मुझे। अब क्या आ रहा है हमारा, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट से ही हम इसे पूरा समझ सकते हैं, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। एक तो इसको ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे, ड्यूरेशन मतलब क्या है, टाइम पीरियड। और एक हमें इसे किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है, बिजनेस के अकॉर्डिंग। एक तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करोगे और एक किसके अकॉर्डिंग करोगे आप, बिजनेस के अकॉर्डिंग। टाइप्स किसके ले रहे हो, पार्टनरशिप के। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कॉपी में लिखना है, लिखो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। दो तरीके से डिवाइड करो, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, पहले ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार, टाइम पीरियड। और दूसरा किसके अकॉर्डिंग करेंगे, विद रिगार्ड टू बिजनेस। ड्यूरेशन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप दो तरीके की, एक तो है तुम्हारी पार्टनरशिप एट विल, दूसरी है पार्टनरशिप फॉर फिक्स टाइम पीरियड। बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पार्टनरशिप कैन बी पर्टिकुलर पार्टनरशिप और इट कैन बी जनरल पार्टनरशिप। क्लासिफाई किया है इसमें अपन ने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमारी दो तरीके की है, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर फिक्स टाइम पीरियड। एट विल का मतलब क्या होता है, विल, विल इच्छा, मतलब जब तक आपकी इच्छा है तब तक चलाओ। इट कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स। जब आपकी इच्छा नहीं है ना इसको कंटिन्यू करने की, क्या करो, सिर्फ नोटिस दे दो, और नोटिस दे करके इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। इसमें दो चीजें पूरी होनी जरूरी होती है पार्टनरशिप एट विल में। पहला,
नो टाइम पीरियड इज फिक्स्ड. पार्टनरशिप एट विल में कोई समय सीमा नहीं होती, जब तक इच्छा है तब तक चलाओ. कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस, कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस. और दूसरी चीज, नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म. नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म. मतलब अपन को नहीं पता कि फर्म का बिजनेस कब डिटरमाइन होगा, कब खत्म होगा. अगेन वॉन्ट टू से टाइम पीरियड इज नॉट फिक्स्ड. अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता तो कौन सी पार्टनरशिप होती है? पार्टनरशिप एट विल. कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं वो भी लिख लेना. इट कैन बी डिसॉल्व्ड. क्या बताती हूँ अभी, डिसॉल्व में लिखना बाय नोटिस. और वो नोटिस भी पब्लिक नोटिस नहीं है, नोटिस टू अदर पार्टनर्स. इट्स नॉट पब्लिक नोटिस. नोटिस सिर्फ किसको देना है? बाकी पार्टनर्स को. पब्लिक को नोटिस देने की जरूरत नहीं है. बाय गिविंग नोटिस इट कैन बी डिसॉल्व्ड. ये सेकेंड लाइन का मीनिंग मुझसे पूछा गया है. नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का बिजनेस कब डिटरमाइन होगा उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है. फर्म का बिजनेस कब खत्म होगा उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है. जस्ट वॉन्ट टू से टाइम पीरियड इज नॉट फिक्स्ड. हाँ, लेकिन ये दो कंडीशंस लिखनी है आपको अगर आ जाए पार्टनरशिप एट विल. पहला, नो टाइम पीरियड इज फिक्स्ड, नो टाइम ड्यूरेशन इज फिक्स्ड. दूसरा, नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म. फर्म का बिजनेस कब डिटरमाइन होगा आपको नहीं पता, कब फर्म का बिजनेस खत्म होगा आपको नहीं पता. मतलब टाइम नहीं पता. टाइम नहीं पता तो किस में जाएगी? पार्टनरशिप एट विल में जाएगी. पार्टनरशिप एट विल. समझ आई चीज की नहीं आई बताओ बेटा? क्लियर है ना ये वाली चीज? अब किस पे आ गए? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड. ए और बी ने एक साल के लिए पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड. जैसे ही एक साल खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड. अगर एक साल के बाद भी हम इसे कंटिन्यू रखते हैं, इफेक्ट लाइक पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप की थी एक साल के लिए, एक साल के बाद भी हमने आपस में डिसाइड किया हम इसे कंटिन्यू करते हैं, नाउ इट विल बिकम पार्टनरशिप एट विल. जब इच्छा हो इसे डिसॉल्व किया जा सकता है बाय गिविंग नोटिस. समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? अगर पार्टनरशिप को डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है वो होती है पार्टनरशिप फॉर फिक्स टाइम पीरियड. जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है. लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड के बाद भी उसको कंटिन्यू करते हो, इफेक्ट विल बी लाइक पार्टनरशिप एट विल. अब इसे जब चाहो खत्म किया जा सकता है. समझ आ गई चीज यहाँ तक? अगर दोबारा बनाओगे वन ईयर के लिए तो बात अलग है, तब तो इसमें ही चली जाएगी ना, फिक्स में ही. आपने टाइम पीरियड दे दिया तो फिक्स हो गई. बट मैं तो कह रही हूँ एक साल के लिए कि या दोबारा कंटिन्यू कर रहे हो, कोई टाइम पीरियड नहीं होता उसमें, तो वो किस में जाएगी? विल में. ये दोनों समझ आ गए? अब कौन सा आया तुम्हारा? विद रिगार्ड टू बिजनेस. अब विद रिगार्ड टू बिजनेस अगर हम बात करें, पार्टनरशिप हमारी दो तरीके की, कौन कौन सी? पर्टिकुलर और जनरल. अगर आपकी पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर इवेंट, टास्क या एडवेंचर के लिए बनाई गई है, जैसे ही वो इवेंट, टास्क या एडवेंचर कंप्लीट होगा इट विल गेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, देन दिस इज योर पर्टिकुलर पार्टनरशिप. इट इज फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, टास्क, एडवेंचर. ठीक है? और जैसे ही वो, हाँ अभी दे रही हूँ. हाँ, नहीं नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. पार्टनरशिप के अंदर उसकी सारी करेक्टरिस्टिक पूरी होनी चाहिए. द बेस्ट वन इज दैट म्यूचुअल एजेंसी, उसको चेक करो. हाँ, आपने क्या पूछा था बेटा?
एग्जाम्पल इसका, ए और बी ने पार्टनरशिप करी कि वो दिल्ली से पूना तक रेलवे टर्मिनल लगाएंगे. इट इज फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, टास्क और एडवेंचर. रेलवे टर्मिनल मतलब रेलवे की पटरी है ना. तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम यहां से लेके यहां तक रेलवे टर्मिनल लगाएंगे, पर्टिकुलर इवेंट टास्क एडवेंचर के लिए की बेटा. जैसे ही वो रेलवे टर्मिनल लग जाएगा पार्टनरशिप खत्म. इट विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड वंस द एडवेंचर विल गेट कंप्लीटेड. इसको क्या बोला जाता है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप. क्लियर है क्या? बताओ. नेक्स्ट क्या आई तुम्हारी? जनरल पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप इट इज फॉर बिजनेस एज अ होल. लिखना, इट इज फॉर बिजनेस एज अ होल. पूरे बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर रहे हो आप, किसी पर्टिकुलर इवेंट टास्क या एडवेंचर के लिए नहीं कर रहे हो. इट इज फॉर बिजनेस एज अ होल. इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो बताती हूँ. पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आपकी जो लाइबिलिटी है इट विल बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर इवेंट टास्क और एडवेंचर. जबकि अगर जनरल पार्टनरशिप है इट विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द बिजनेस. पूरी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सारी आपको बियर करनी पड़ेगी. यही लाइन आपको लिखी हुई आईसीआई में मिलेगी जो मैंने अभी आपको बताई है. पर्टिकुलर इवेंट टास्क एडवेंचर के लिए किया तो वो किस में गई? पर्टिकुलर में. और जनरल बिजनेस के लिए की तो जनरल पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर इवेंट टास्क एडवेंचर. जबकि यहाँ पर इट विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द बिजनेस. पूरे बिजनेस के लिए जिम्मेदारी आएगी यहाँ पे तो, क्योंकि पार्टनरशिप कैसी है हमारी? जनरल पार्टनरशिप. क्लियर है क्या? बताओ बेटा. मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया. अब अपन लेने जा रहे हैं कहाँ से? आईसीआई से. अब इसमें तुम्हें कुछ भी नया नहीं मिलने वाला, जो हमने पढ़ा है वही चीजें एक एक मिलेंगी. स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप एट विल सेक्शन नंबर 7 से. ये आपसे एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सिंपली सिर्फ, और पूछा गया था व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल. शॉर्ट नोट आए हुए 2 नंबर का सिर्फ. 2 चीजें आनी जरूरी है. सेक्शन कौन सा है? 7. 2 चीजें आनी चाहिए. पहला, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है. दूसरा, नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. आपको पता नहीं है बिजनेस कब तक चलेगा. और यही सेम मैंने तुम्हें पढ़ाई है. यही दोनों सेम मैंने तुम्हें पढ़ाई है. मैं तुम्हें ऐसी चीज ही नहीं पढ़ा रही जो तुम्हारे काम ना आए. तुम्हें वही चीज पढ़ाई जा रही है जिससे तुम्हें एग्जाम में नंबर मिल सके. यहाँ पे कितना भी तुमको प्लीज करने के लिए पढ़ा लो, लेकिन नंबर तभी मिलेंगे जब लैंग्वेज किसकी होगी? आईसीआई की. वरना नंबर नहीं मिलने. तो ये 2 पॉइंट याद करने. पहला, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है. दूसरा, नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप. आगे क्या बोला? दीज 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, तभी उसी पार्टनरशिप को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप एट विल. आगे बोला, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर आइदर फॉर ड्यूरेशन. अगर ड्यूरेशन की बात हो गई तो पार्टनरशिप एट विल तो है ही नहीं. ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड. अगर आप टाइम पीरियड बता दोगे तो पर्टिकुलर में चली जाएगी ना, यहाँ थोड़ी ना आएगी. वेयर द पार्टनरशिप इज फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड और उसके बाद भी उसको क्या करो? कंटिन्यू. अब इसका इफेक्ट कैसा होगा? पार्टनरशिप एट विल याद करो. साल भर के लिए पार्टनरशिप की, उसके बाद भी जारी रखते हो. इफेक्ट विल बी लाइक पार्टनरशिप एट विल. यही पढ़ा था अपन ने. कैसे डिसॉल्व हो सकती है बेटा? नोटिस. नोटिस किसको देना है? ऑल द पार्टनर्स. इट्स नॉट पब्लिक नोटिस, याद रखना. इट इज नॉट पब्लिक नोटिस. इट इज ओनली नोटिस टू द अदर पार्टनर्स. पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड. यहाँ पर टाइम पीरियड डिफाइंड है. वेयर द प्रोविजन इज मेड बाई अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. तो उस पार्टनरशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, है ना. जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा इट विल कम टू एन एंड. 1 साल के लिए पार्टनरशिप की, साल भर बाद खत्म. नेक्स्ट आया तुम्हारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप. देखो यहाँ पर इन्होंने बोला कि पार्टनरशिप 2 तरीके से हो सकती है. या तो ये एक सिंगल एडवेंचर के लिए हो, या फिर ये हो सकती है कंटिन्यूअस बिजनेस के लिए. सिंगल एडवेंचर के लिए होगी तो वो किस में चली जाएगी? पर्टिकुलर में. और कंटिन्यूअस वाली होगी वो कहाँ चली जाएगी? जनरल में. ये एक स्टेटमेंट सिंपल दिया हुआ है.
आगे क्या कहना चाहता है वो देखो, वेयर अ पर्सन बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट, टास्क, अंडरटेकिंग, एडवेंचर, वो कौन सी होती है पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ सिंगल एडवेंचर अंडरटेकिंग, जैसे ही वो काम पूरा होगा डिसॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ, यही लिखा है ना, ऑन द कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर इट विल कम टू एन एंड। जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप किसके लिए बनी है, इन रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल, इट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप अलग है और पर्टिकुलर अलग है। इन द केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप लाइबिलिटी एक्सटेंड करती है ओनली टू द पर्टिकुलर एडवेंचर, जबकि ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप, हियर द लाइबिलिटी विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द बिजनेस। यही पढ़ा था ना अपन ने, यहाँ तक समझ आई चीज की नहीं आई बताओ, एक बार जो मैंने लिखवाया है उसको दोबारा देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। हाँ, पर्टिकुलर पार्टनरशिप को पार्टनरशिप फॉर फिक्स टाइम नहीं दे सकते बेटा, क्यों, वहाँ पर इवेंट एडवेंचर है। अब इवेंट या एडवेंचर में ज़रूरी थोड़ी ना एक साल तक की हो, हो सकता है वो इवेंट पूरा हो जाए 3 महीने में, हो सकता है 1.5 साल लग जाए, तो कैसे करें उसको फिक्स टाइम पीरियड, तू बता पॉसिबल है क्या ये बताओ। हम तो एक पर्टिकुलर काम के लिए कर रहे हैं, जैसे ही वो काम पूरा होगा ऑटोमेटिकली खत्म। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। एक वर्ड आ रहा है बेटा यहाँ पर, पार्टनरशिप डीड, इसके बारे में तो अभी हमने पहले भी बात की थी, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप बन। हाँ, एक चीज आई हुई तो अभी लेते ही हैं, 2-3 मिनट में ओवर ही कर रहे हैं अपन। अपन ले रहे थे पार्टनरशिप डीड, हमने कहा था पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, याद आ रहा है क्लास। लेकिन हमने बोला कि कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में, डिस्प्यूट ना हो, तो बेटर टू गेट इट इन राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट, होना चाहिए ना। और अगर ये हमारा राइटिंग में है, साइंड है, रजिस्टर्ड है, तो इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, यही बोला था हमने। तो ये होता क्या है, इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप एक्ट। किसके अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंप एक्ट, इसके ऊपर आपके सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। एंड इट इंक्लूड्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। क्या चीज दी है देखो, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, इट कैन बी इन राइटिंग, कैन बी वर्बल, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में, लेकिन डिजायरेबल है कि आप किस में रखो, राइटिंग में, टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि राइटिंग में हो, कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसको बहुत सावधानी से बनाया जाना चाहिए और इस पे स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैंप एक्ट 1899। स्टैंप कभी भी लगती है किसके अकॉर्डिंग लगती है, स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो रजिस्ट्री भी कंपलसरी है। बेसिकली तो हम मान के चलते हैं रिटन साइंड रजिस्टर्ड, खत्म बात, रिटन साइंड रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इसके अंदर क्या देना पड़ता है, आपकी फर्म का आप क्या नाम रखा है, पार्टनर्स कौन कौन है, आपकी फर्म जो है वो किस तरीके का बिजनेस करेगी, कहाँ पे करेगी, किस दिन से आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की, कितने समय के लिए आपने पार्टनरशिप की है, दोनों रेशियोज दोगे, कैपिटल रेशियो और PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया पार्टनर आया पुराना गया उसके बारे में कैसे होगा, इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी कैपिटल ड्रॉइंग या लोन्स पे, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में फर्म के अकाउंट्स का सेटलमेंट किन रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको देख के आने जरूरी है, सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरी तभी मिलती है जब डीड में लिखी हो, तो ये पॉइंट तो डीड में आना चाहिए ना। और नेक्स्ट क्या है, पार्टनर को निकालना, एक पार्टनर को आप तभी निकाल पाओगे जब डीड में लिखा हो, तो ये 2 चीज़ें तो डीड में होनी ज़रूरी है, बाकी अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज एक शॉर्ट आइडिया दे दिया आपको कि डीड होती क्या है, करेंगे कल, है ना।
एक क्वेरी आई हुई थी मेरी, उसको भी मैं सॉल्व कर देती हूँ. वॉट एट विल एंड जनरल आर सेम. एट विल और जनरल सेम तो नहीं है बेटा, ये अपने बोलने का तरीका अलग अलग है. देखो कैसे, एट विल को अपन ने क्लासिफाई किया है आशीष अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, और जनरल वाली है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, इस वजह से अलग अलग है. वैसे तो एक ही बात कह रही है बट अपना क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया अलग अलग है. एट विल वाला है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, और जनरल वाला है अपना अकॉर्डिंग टू बिजनेस. और कोई क्वेरी है बताओ बेटा. आशीष समझ आ गया क्या, बता? ओके, एनीवन एल्स कोई क्वेरी है बेटा बताओ? नहीं, तो चलो फिर अपन वाइंड अप करते हैं.